नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी पटना से। राजधानी पटना में संविधान बचाओ नागरिकता बचाओ महारैली की तैयारी जोरों पर है। 27 फरवरी को होने वाली महारैली में सामाजिक राजनीतिक तक जगत की युवा हस्तियों के अलावा बॉलीवुड के भी कई सितारे भाग लेंगे। आयोजकों का दावा है कि इस महारैली में 10 लाख लोग आएंगे। रैली में उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। एसएफआई नेत्री और जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष पहली बार पटना आएंगे। इसी महारैली के लिए सीपीआई नेता कन्हैया कुमार पिछले 30 जनवरी से जनगण मन यात्रा पर विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। यह यात्रा चंपारण के महात्मा गांधी के भितिहरवा आश्रम से शुरू हुई है। एनपीआर एनआरसी सीएए विरोधी संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में यह यात्रा जारी है। खास बात यह है कि मोर्चा में 100 से अधिक सामाजिक संगठन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी के कई समूह शामिल हैं। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता विशाल चौहान ने। कन्हैया कुमार की रैली है। जी हाँ, आपको बता दूँ पूरे बिहार में 105 जगह उनकी रैली थी और तमाम जगहों पे वो सभा को उनको संबोधित करना था और कल यानी 27 फरवरी 2020 को उनका आखिरी सभा होगा, वो राजधानी पटना का होगा और 105वां कल ही इसी गांधी मैदान में है। और आपको बताते चले, कल यानी 27 फरवरी को लेके तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अभी भी कुछ कुछ काम कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं अभी भी कुछ काम बचे हुए, लेकिन कल इसी जगह पे कन्हैया कुमार आएंगे और यहीं से सभा को संबोधित करेंगे। और जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से, यहाँ पे उनका स्टेज बनाया गया है जहाँ पे वो रह के तमाम नेताओं के साथ सीपीआई के, आपको बताते चले कन्हैया कुमार सीपीआई के नेता के साथ साथ जेएनयू के छात्र भी थे और अभी वो सीपीआई के नेता हैं। लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से जब वो खड़े हुए थे तो उनकी हार हुई थी, लेकिन उस समय भी प्रचार भी हुए, वो उनकी आने की यहाँ पे संभावना है। ये भी बताया जा रहा है कि स्वरा भास्कर की भी कल यहाँ आने की आशंका है। और मैं फिर से आपको यहाँ पे ले चलूँगा जहाँ पे लगभग लाखों लोगों की आने की एक कयास लगाई जा रही है कि यहाँ पे जब कल भीड़ है वो काफ़ी भीड़ होगी। आपको इससे पहले भी बताते चले कि जहाँ जहाँ भी कन्हैया कुमार की रैली हुई है, चाहे हम बात कर ले आपको मधुबनी की, गया की, तमाम जगहों पे उन्होंने सभा को संबोधित किया है। कुछ एक जगह पे उनमें उन पर आक्रमण भी किए गए हैं। इसी से लिहाजा लेते हुए मतलब इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस गांधी मैदान को कल से ही बंद कर दिया गया है। यहाँ पे बाहरी लोगों को आने के लिए रोक दिया गया है और जितने भी इनके दरवाजे हैं, जितने भी गेट हैं, सब को यहाँ पे बंद करके और पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ा दी गई है और यहाँ पे बाहरी लोगों का आने के लिए रोक लगा दिया गया है। और फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी काम लगा हुआ है और कल 27 फरवरी 2020 को कन्हैया कुमार इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान से सभा को संबोधित करेंगे। वहीं अररिया में शराबबंदी के बावजूद बिहार में बदस्तूर जारी है। शराब की तस्करी आए दिन अररिया में शराब पकड़ाई जा रही है, फिर भी शराब तस्कर तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला अररिया के बैरागाछी के बैरिया पुल के पास का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 156 लीटर बंगाल निर्मित विदेशी शराब को जब्त किया है। साथ ही दो धंधेबाजों को भी एक कार के साथ गिरफ्तार किया है। सघन रूप से वाहन की तलाशी किया जा रहा है मन निश्चित विभाग द्वारा, उत्पाद विभाग अररिया द्वारा। इसी क्रम में सुबह गुप्त सूचना के आधार पर झोकीहाट रोड में वाहन तलाशी की जा रही थी। उसी क्रम में एक टाटा जेस्ट कार झोकीहाट सुविधा से आगे से आ रही थी, अररिया की ओर जा रही थी, उसका चेकिंग किया गया, जिसमें दो व्यक्तियों को भारी मात्रा में विदेशी शराब और बियर के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल के रंगलाल हाई स्कूल मैदान में 27 फरवरी को 12 बजे दिन में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बेरोजगारी हटाओ यात्रा रथ रवाना किया जाएगा। इस संदर्भ में बोध गया विधायक कुमार सर्वजीत ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बिहार से कैसे बेरोजगारी हटे, इसकी चिंता न भारत सरकार को है न बिहार सरकार को है। देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाकर गलत प्रचार करने से युवाओं के बेरोजगारी का हल नहीं हो सकता। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, इससे देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसी को लेकर मगध की धरती शेरघाटी से शुरुआत की गई है। आपने इस देश के नौजवानों को कितनी नौकरियां दिया, इस पे बहस हुआ कि नहीं हुआ? आप देश को कहां तक ले जाना चाहते हैं,
इस पे कोई बहस नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री अगर मन की बात करते तो हम युवाओं को रोजगार कैसे मिटाएंगे इसकी कभी उन्होंने बात नहीं किया। लगातार सारे स्टेट में, चाहे वह बिहार हो, चाहे वह यूपी हो, चाहे वह दिल्ली हो, आसाम हो, लगातार जो है दंगे फसाद की घटना हो रही है। अकेले बिहार में इस 4 साल की सरकार में 17 से 20 ऐसे जिला हैं जहां पे दंगे फसाद की घटनाएं हुई। देश की आजादी भाईचारा मिटाने के लिए नहीं हुई थी, देश की आजादी तरक्की के उस मुकाम पे पहुंचना था। वहीं नालंदा में मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन सेवन सदस्य टीम के साथ नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का अवलोकन किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। स्वयं नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह और एसपी नीलेश कुमार उनके स्वागत में खड़े थे। इसके अलावा भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस मौके पर राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन ने कहा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। यह विश्वविद्यालय भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का धरोहर है और इसे सभी लोग मिलकर संभाले ताकि यह धरोहर हमेशा अपनी गौरवशाली इतिहास को बताता रहे। हमको यहाँ पर आकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। वी आर वेरी लकी कि यहाँ पर आए हुए हैं और इसके पीछे ये जान सकते हैं कि पुराने ज़माने में कितने लोग कैसे वो पहुँचे हुए थे उस समय से, और कारण कि जो यहाँ पर आए हुए हैं वो ये विश्व का सबसे महान पुरुष है। नालंदा में आगामी 1 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में आहूत कार्यकर्ता सम्मेलन में जिले की अधिक से अधिक भागीदारी को लेकर बिहार शरीफ के पार्टी कार्यालय में छात्र जदयू की बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष धनंजय कुमार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी समेत अन्य मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 1 मार्च को पटना में कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के लोग शामिल होंगे। आदरणीय नेता विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के आह्वान पर जो 1 मार्च 2020 को पटना में कार्यकर्ता सम्मेलन का आह्वान किया गया है, उसकी तैयारी को लेकर आज छात्र जदयू नालंदा की बैठक आयोजित की गई है और छात्रों और युवाओं में काफी उत्साह है। वही नालंदा में जनगणना को लेकर जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जिला मुख्यालय बिहार शरीफ स्थित हरदेव भवन में किया गया। इसको लेकर मकानों की जनगणना के आधार पर जनसंख्या भी की जाएगी। आपको बता दें कि जनगणना का कार्य राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, जिसमें जनसंख्यिकी एवं आर्थिक आंकड़ों का संग्रह, संकलन एवं विश्लेषण किया जाता है, जिसके तहत घर घर जाकर संपर्क के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। प्रथम चरण के तहत मकान की गणना एवं राष्ट्रीय, आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन का अध्यक्ष कारण 45 दिन की अवधि 15 मार्च से 28 जून तक यह कार्यक्रम चलेगा। जनगणना 2021 का जिला स्तरीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें प्रथम फेज में मकान सूचीकरण, मकानों की गणना एवं राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण का अद्यतनीकरण किया जाना है, जिसका 45 दिन की अवधि 15 मार्च 28 जून 2020 तक चलेगा। ये कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित है। दूसरा जो है, दूसरे चरण में जनगणना परिगणना का कार्य किया जाना है, जो 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक चलेगा और 1 मार्च 2021 के बाद जनगणना का प्रारूप जो है नए तरीके से बदल जाएगा। वहीं बिहार सरकार ने मोकामा नगर परिषद क्षेत्र अवस्थित श्रीकृष्ण गौशाला की व्यवसायिक इस्तेमाल की कवायद परवान चढ़ा दी है। सरकार के कृषि विभाग को इस गौशाला के जीर्णोद्धार का एक प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी सुमित कुमार ने भेजने का फैसला किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, नगरपालिका कार्यपालक पदाधिकारी और अंचलाधिकारी ने संयुक्त रूप से गौशाला का निरीक्षण किया और अतिक्रमण की शिकायत से साफ इनकार किया है। अक्सर शिकायतें आ रही थी कि मोकामा में स्थित श्री कृष्ण गौशाला में लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और आप लोग मीडिया में भी इसकी तरजीह दे रहे थे,
भौतिक सत्यापन किया गया तो स्पष्ट रूप से पाया गया कि गौशाला की भूमि पर कोई हमें अतिक्रमण दिखाई नहीं दिया है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अस्थाई रूप से कुछ गिट्टी बालू बेचने का काम करते हैं या कुछ टेंट हाउस का सामान रखे हुए हैं, तो बाजाबते उन लोगों के पास से गौशाला का कमेटी होता है, सेक्रेटरी की तरफ से रसीद कटा हुआ है और बाजाबते सरकार को राजस्व का भुगतान कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। वहीं नालंदा में राज्य समन्वय समिति के बैनर तले नियोजित शिक्षकों ने रहुई प्रखंड के बीआरसी भवन के पास हड़ताल के 10वें दिन हवन कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री को सतबुद्धि मिले। बिहार राज्य शिक्षक समन्वय समिति के जिला संयोजक राणा रंजीत कुमार ने कहा कि जब तक नियोजित शिक्षकों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता तब तक चरणबद्ध तरीके से हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिला तो यही नियोजित शिक्षक आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। 27 फरवरी को नियोजित शिक्षक आपको बता दें कि सपरिवार धरना देंगे। पूरे जिला के अध्यक्ष मंडल लोग एक रहुई प्रखंड में आयोजन किए हैं हवन का, जिसमें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कि हम लोग को नियोजित टीचर का दर्जा देकर और नियमित और नियोजित का बाइफरकेट किए हुए हैं, उन लोग के लिए भी वेतनमान मिले, राजकर्मी का दर्जा, ये सब हमारी मांगे हैं। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले रहुई ब्लॉक के सभी स्तर के शिक्षक शिक्षिका और पुस्तकालय अध्यक्ष यहाँ पर अपने हड़ताल के क्रम में आज हवन कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। इस हवन कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को सद्बुद्धि मिले ताकि जोर शोर से चल रहे इस हड़ताल में एक वार्ता हो और सरकार जो है हम नियोजित शिक्षकों के प्रति सोचे, क्योंकि सभी नियोजित शिक्षकों में रोष है और इसी रोष की कड़ी में हमारे सभी शिक्षक 27 फरवरी को जितने भी शिक्षक हैं सब परिवार आकर धरना स्थल पर बैठेंगे। फिर उसी कड़ी में आगे चलकर 1 मार्च को हमारे सभी शिक्षक अपने विधायक को ज्ञापन देंगे। वहीं नालंदा में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पुलिस सप्ताह के दौरान नगर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष दीपक कुमार समेत अन्य पदाधिकारी और कर्मियों ने पौधारोपण कर लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। इस मौके पर थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि आज के समय में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, वैसे में हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक दिन प्रतिदिन इस तरह की समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। हमें आज के युवा पीढ़ियों को जल जीवन हरियाली, जल संरक्षण और अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए जागरूक करना होगा। बिहार पुलिस सप्ताह के शुभ अवसर पर हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगा रहे थे, और ना सिर्फ हम लोग पेड़ लगा रहे थे बल्कि उसकी सुरक्षा एक शिशु की तरह कर रहे हैं ताकि ये पेड़ बचा रहे और पूरे तरह से विकसित हो। और वही रोहतास के परसथुआ में मुर्गा खरीदने के मामले विवाद में एक युवक ने मुर्गा दुकानदार पर फायरिंग कर दी, जिसमें मुर्गा दुकानदार को गोली लग गई, साथ ही पास खड़ा एक युवक भी घायल हो गया। दरअसल उसके हाथ में गोली लगी थी। छर्रा की गोली लगने से दोनों युवक का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया, साथ ही शरीर के कई भागों में भी छर्रा की गोली लगी है। घायलों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए इसे वाराणसी भेज दिया गया। इस संदर्भ में आपको बता दें कि सासाराम के DSP लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि मुर्गा दुकानदार से मनचाहा मुर्गा का पीस युवक द्वारा मांगा जा रहा था, जब दुकानदार द्वारा नहीं दिया गया तो नाराज युवक ने फायरिंग कर दी। एक मुर्गा दुकान के पास एक व्यक्ति आया मुर्गा लेने के लिए, और उन्होंने कहा कि हमको मुर्गा का 3-4 पथरी चाहिए। दुकानदार बोला कि पथरी मेरे पास अभी नहीं है, बाद में जमा होगा तो आपको देंगे। इसी बात पर दोनों में बकझक हुआ। जो मुर्गा खरीदने आया था पथरी के लिए, उसने फायरिंग कर दिया। फायरिंग से गोली चली और उसमें
दो व्यक्ति के हाथ में गोली लगी है। वहीं कटिहार से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के तीन लोग आत्महत्या कर लेने की बात बताई जा रही है। पुलिस ने पति पत्नी और बच्चे का शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के इस मामले में स्थानीय लोगों ने बताया कि व्यवसाय में लगातार फ्लॉप होने से मनीष कर्ज में डूबा हुआ था। इस वजह से पारिवारिक तनाव के कारण मैथल टोला निवासी मनीष घर से अलग पत्नी और बच्चे के साथ पिछले कुछ दिनों से भाड़े पर रह रहा था, जहां बीते रात संभवतः पहले वो बच्चे को जहर देकर मार दिया और फिर पति पत्नी ने फंदे से लटक कर जान दे दी। हालांकि पुलिस फिलहाल घटना स्थल पर पहुंचकर तमाम बिंदुओं पर जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। ये मिर्चावाड़ी मेथिल टोला का निवासी है। इनके फादर ब्रांच में थे। ये बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस शुरू किया। हर बिजनेस में ये फ्लॉप किया और काफ़ी कर्ज में डूबा हुआ था और कुछ पारिवारिक विवाद भी चल रहा था, जिसके चलते ही सुसाइड किया है। वहीं पटना के अलेक्जेंडर सेनापति की अध्यक्षता में YMCA क्लब दिल्ली में ब्रिक्स के बैनर तले राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निषाद और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र निषाद के मौजूदगी में रशियन उप प्रधानमंत्री जॉर्ज बुराडोव ने प्रेस वार्ता किया, जिसमें मछुआरा समाज के उत्थान के लिए चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया, जिसमें रशियन उप प्रधानमंत्री ने वादा किया कि फिशिंग टेक्नोलॉजी फिशिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक चीजों को सहयोग वो करेंगे। वह इसके लिए राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी ने रशियन उप प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। रशियन उप प्रधानमंत्री जॉर्ज बुराडोव से प्रेस वार्ता किया गया। ब्रिक्स के बैनर तले अलेक्जेंडर सेनापति की अध्यक्षता में उसमें हमारे राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र निषाद और राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ज्ञानेंद्र निषाद उपस्थित है, जिसमें मछुआरा समाज के कल्याण उत्थान विकास के लिए बात किया गया और निर्णय लिया गया कि हर क्षेत्र में मछुआरों को उत्थान के लिए विकास के लिए उन्नति के लिए हर संभव मदद करेंगे। सुपौल जिला मुख्यालय में सामाजिक व आर्थिक विकास में बांस के पौधे का प्रवर्धन प्रबंधक एवं मूल्य संवर्धन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। बता दें कि कोशी इलाके का पहला टिश्यू कल्चर लैब सुपौल जिले में है। आपको बता दें कि जहां से वन विभाग को 5000 पौधे दिए जाएंगे। यहाँ के किसानों ने यहाँ के लोगों ने एक भी बांस नहीं लगाया है, सबों के यहाँ बांस है, सभी अपना बांस को लगा रहे हैं। मैनेजमेंट को लेकर के एक राज्य सरकार द्वारा एक कार्यक्रम अपेक्षित है, एक सेमिनार अपेक्षित है। चाइल्ड्स क्रेडल हो या कैफीन हो, चाहे घर बनाना हो, चाहे कोई फर्नीचर बनाना हो, री इन्फोर्समेंट के लिए कई मंजिलें बिल्डिंग बनानी हो, बांस के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। वहीं बेतिया में नप सभापति गरिमा देवी शिकारिया ने कहा कि अनेक बुराइयों में दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक है। बता दें कि गरिमा नगर के कालीबाग मंदिर परिसर में सामाजिक सहयोग से आयोजित सामूहिक विवाह समारोह के मौके पर अपना विचार रख रही थी। उन्होंने कहा कि इस साल भी सामाजिक सहभागिता से 14 गरीब युवतियों का सामूहिक विवाह संपन्न कराना सच्ची समाज सेवा का एक उत्तम उदाहरण है। छपरा के अनुमंडल कार्यालय सोनपुर में सारण जिला परिषद संख्या 43 दरियापुर भाग 4 से उपचुनाव के लिए जिला पार्षद पद के लिए प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश कुमार सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। भाजपा के राज्य परिषद सदस्य राकेश सिंह ने अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर SN पांडे के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। भाग 4 से बतौर प्रत्याशी के तौर पर मैं नामांकन करने जा रहा हूँ। जनता जनार्दन का अथाह प्रेम, चाहे आप अनुज सिंह हो, पवन सिंह हो, अफ्ताब आलम हो, विकास सिंह हो, मुन्ना राय हो, अनंत सिंह हो, अजीत सिंह हो और
लक्ष्मी राय हो, तमाम जनता का स्नेह प्रेम मिल रहा है। मुझे लगता है कि बाबा हरिहरनाथ और माँ दुर्गा का प्रसाद कृपा है। परिषद के सदस्य के लिए जो नामांकन पत्र आज श्री राकेश कुमार जी ने दाखिल किया है, अभी तक कुल 4 लोगों ने नामांकन दायर किया है, जिसमें 2 प्रत्याशी ने 2-2 सेटिंग किया है, तो 4 नामांकन अभी तक हो चुके हैं। वही मधुबनी में स्वर्ण व्यवसायी श्रवण शाह हत्याकांड सहित लूट मामले का खुलासा करते हुए मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बताया कि घटना में शामिल 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से 2 देसी कट्टा, 10 राउंड गोली, 1 खोखा सहित लूट के कई सामान भी बरामद किए गए हैं। दिनांक 23/2/2020 को राजनगर थाना अंतर्गत स्वर्ण व्यवसायी श्रवण शाह को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार करके लगभग 10 लाख मूल्य के जेवर और 1,30,000 रुपए की लूट की घटना कारित किया गया था। इस घटना के कारित होने के तुरंत बाद ही हम लोगों ने एक विशेष एसआईटी टीम का गठन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में किया गया, जिनके सहयोग में एसडीपीओ बेनीपट्टी पुष्कर जी को भी लगाया गया। इसमें साथ साथ पुलिस इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव और खास करके राजनगर थाना अध्यक्ष अमृत शाह, अनोज कुमार पंडौल, संजय कुमार बाबू बरही, रामाशीष कामती अरेर एवं अन्य सभी लोगों ने मिलकर के। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बिहार न्यूज, फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।